हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, आप में से कई सारे बच्चों के एक डाउट्स हमेशा आप मुझसे पूछते हो, खासकर डाउट सेशन टाइम पे, कि सर ट्रेनिंग कब करूं, कैसे करूं, कहां करूं, किस टाइप के सीएफएम में करूं, कौन कौन सी ट्रेनिंग हमारे पास है, कब से ज्वाइन करना चाहिए। मेरे बच्चे, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है। इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी मेरा आपके YouTube चैनल पे है, जिसमें कि CA कोर्स इन डिटेल्स की पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, उनके बारे में हमने वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। आप चाहे तो, अगर जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है और CA कोर्स इन डिटेल जानना चाहता है, तो उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं, मेरे नाम से आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। आज मेरे बच्चे, आपके CA कोर्स में जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग कब शुरू करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेनिंग करना है, और ट्रेनिंग आपका कौन सा करे, CA फर्म में करूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूँ, या फिर क्या, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। जनरली आप में से मैक्सिमम बच्चे, जब तक कि हम इस कोर्स में आगे नहीं बढ़े, तब तक यही जानते हैं कि 3 साल की ट्रेनिंग है हमारे CA के अंदर में। मेरे बच्चे, वही ट्रेनिंग नहीं, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ने और भी कई सारे ट्रेनिंग आपके साथ रखा हुआ है, हम उनके भी बारे में भी इस वीडियो में उसके बारे में जिक्र करेंगे। आइए जरा शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पे, आप देखेंगे कि मैंने दो यहाँ पे आपके पार्ट्स बनाए हुए हैं। एक आपका नॉर्मल प्रोसीजर है, जो बच्चा इस प्रोसीजर से CA के अंदर एंट्री करता है, और एक वो बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाना चाहते हैं। दोनों के ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, कैसे करेंगे, क्या एक CA CMA का बच्चा भी, CMA या CS जो है उसका जो बच्चा है, क्या वो भी डायरेक्ट एंट्री में जा सकता है, इनके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए जरा पहले मैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर आपका है, यानी कि अगर कोई बच्चा फाउंडेशन में एडमिशन लेता है पूरे प्रोसीजर के साथ, उसके साथ क्या प्रोसेस चलेगा ट्रेनिंग का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। आपको पहले CA फाउंडेशन को पास करना होगा। अब कैसे पास कर लेंगे, क्या, या तो आप पास कर चुके होंगे तभी वीडियो देख रहे हैं, या फिर ये नहीं जानते, अभी बिल्कुल न्यू है, तो मेरे बच्चे वो CA कोर्स इन डिटेल्स को आप देखें, वहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। मेरे बच्चे, फाउंडेशन को पास करने के बाद फिर आपको CA इंटर में रजिस्ट्रेशन कराना है इंस्टीट्यूट के साथ, ICI के साथ। जब आप CA इंटर में आप ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ध्यान रखेंगे, एक ट्रेनिंग है आपका इंटेग्रेटेड कोर्स ऑन IT एंड सॉफ्ट स्किल, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये 4 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, जो IT यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बच्चे आप जानते हैं कि आप एक जब CA बन के कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आपको इंडस्ट्री में जाके ना बड़ी बड़ी कंपनी को संभालना है, आपको कई तरीके के क्लाइंट के साथ बात करना है। आप अगर टॉप मैनेजमेंट में गए, तो मिडिल लेवल, लोअर लेवल में जो इंप्लॉई या मैनेजमेंट काम करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना, क्लाइंट के साथ बातें करनी, बहुत सारे काम आपको करना होगा। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर में हर एक चीज़ जो आपका आज के टाइम पे जितने डिसीजन मेकिंग होते हैं, जितने अकाउंटिंग होता है, सब कंप्यूटर के अंदर होता है मेरे बच्चे। ये सारी बातें आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट सिखाएगा। इसमें आपका वर्ड, एक्सेल, टैली, जितनी चीज़ें होता है आपका पावर पॉइंट, सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी। सॉफ्ट स्किल यानी कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल होगा, उस पर काम किया जाएगा। क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, अपने लेवल के लोगों के साथ मैनेजमेंट में कैसे बात करते हैं, टॉप लेवल में कैसे करेंगे, मीटिंग कैसे अटेंड करेंगे, है ना, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, नेगोशिएट कैसे किया जाएगा, बहुत सारी बातें बहुत प्लान्ड वे में, बहुत अच्छी तरीके से इंस्टीट्यूट ने ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है। तो आपको पहले क्या करना होगा, ये कंप्लीट करना होगा। CA इंटर में एडमिशन लेने के बाद पहले इसको कंप्लीट करना होगा जी। 4 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका, 100 आवर्स का एक्चुअली, तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको CA इंटर का ग्रुप 1, या फिर CA इंटर का ग्रुप 2, या फिर दोनों ग्रुप कंप्लीट करना होगा। और फिर ही मेरे बच्चे, इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, 3 इयर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप अपना इनरोल कराएंगे। क्या हमने बोला, एक तो आपका यहाँ पे ICITSS की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ CA का, चाहे आपका ग्रुप 1 एक ग्रुप या ग्रुप 2, मतलब कोई एक ग्रुप होना चाहिए, या फिर दोनों ग्रुप कंप्लीट करने के बाद ही 3 साल के ट्रेनिंग में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नाउ, अब कई सारे बच्चे क्या है ना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे बच्चे जल्दबाजी में आ जाते हैं, सोचते हैं कि यार जब ये एक ग्रुप के बाद ही CA इंटर में ट्रेनिंग अलाउ कर दिया गया है, तो फिर एक और ग्रुप पास करने का क्यों वेट करूं, अगर मेरा CA इंटर ग्रुप 1 निकल गया है, ट्रेनिंग शुरू करो जी, और उसके साथ क्या करेंगे, ग्रुप 2 की पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे बच्चे करते हैं। बच्चे, मैं एडवाइज करता हूं, मेरा एडवाइज है कि ये आपको नहीं करना चाहिए।
दो रीजन है। मेरा अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई पूछ रहा है कि जरा बताओ ट्रेनिंग कब शुरू करूं, मैं कहता हूं कि भैया पहले आप सीए इंटर के दोनों ग्रुप को कंप्लीट करें, उसके बाद ट्रेनिंग में आप जाएं। इसके कई सारे फायदे हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला फायदा, दोनों ग्रुप कंप्लीट करने के बाद क्या फायदा है और एक ग्रुप को कंप्लीट करने के बाद जब हम जाएंगे तो क्या घाटा है। सुने मेरी बात। एक तो मेरे बच्चे, जब आप किसी अच्छे सीए फर्म में जाओगे ना ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो डिमांड करते हैं कि आपका दोनों ग्रुप कंप्लीट होना चाहिए। जनरली देखा गया है कि मैक्सिमम जो सीए फर्म है, अच्छे सीए फर्म है, वो बोलते हैं कि दोनों ग्रुप कंप्लीट है जी, तब आपको हम यहां पे लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आप पूरे मेच्योर्ड हो आगे का ऑडिटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए। क्योंकि सोचो ना, जैसे मान लो आपने सीए इंटर कंप्लीट, ग्रुप वन कंप्लीट किया, अब आप चले गए आपका ऑडिट करने के लिए, एंड ऑडिट का एबीसीडी नहीं पता, जो कि हम सीए इंटर ग्रुप टू में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कई सारे हैं जो कि कंपनी आपका अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में सिखाया जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। उनको बिना जाने बगैर हम कैसे किसी बैंक के अंदर में, किसी एनबीएफसी के अंदर में, किसी कंपनी के अंदर में ऑडिट या अकाउंटिंग कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, जितने भी बड़े बड़े सीए फर्म हैं, अच्छे सीए फर्म हैं, उनका पहला चॉइस होता है जो दोनों ग्रुप कंप्लीट करके मेरे पास आया है। चलो मैं उनकी बात छोड़ता हूं, बोलता हूं कि उनको तो चलो जी हम कुछ रेफरेंस लेके किसी तरीके से एंट्री कर गए। लेकिन मेरे बच्चे, इसका दूसरा घाटा फायदा जो है ना, वो आपकी पढ़ाई पे पड़ता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। सीए इंटर ग्रुप वन आपने निकाल लिया और आप कहते हो कि मैं तो ट्रेनिंग में भी जाऊंगा जी, टाइम बचाऊंगा। मेरे बच्चे, आप ट्रेनिंग में चले गए, अच्छे सीए फर्म में आपका वहां पे आर्टिकलशिप भी शुरू हो गया। लेकिन वहां अच्छे सीए फर्म में जब आर्टिकलशिप आपका शुरू होगा, हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको एक वीक में 35 आवर्स का इंटर्नशिप होना चाहिए। मतलब आपको 35 आवर्स वर्क आपको डिवोट करना होगा। तो 35 आवर्स को एक वीक यानी कि 6 दिन, संडे को ऑफ मान लो, तो मेरे बच्चे लगभग 6 घंटे, लगभग 6 आवर्स पर डे आपको डिवोट करना होगा वहां पे इंटर्नशिप के अंदर में, आर्टिकलशिप के अंदर में। बट ये कहने की बात है, मैंने कोई नहीं देखा कि कोई भी सीए आपका सीए फर्म है जो सिर्फ आपको पर डे 6 घंटे का काम लेता है। कम से कम 9 घंटे 10 घंटे तो आम बात है मेरे बच्चे। कोई भी सीए फर्म आपको जब अपने पास रखेगा आपका इंटर्नशिप के अंदर में, आर्टिकलशिप के अंदर में, तो देखा गया कि 9 से 10 घंटे वो काम करवाता ही करवाता है। आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपको वहां पे चीजें सीखनी है। अब 9 से 10 घंटे आप वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हो जी, आर्टिकलशिप करो, काम करो, माइंड पे इतना प्रेशर होता है, फिर घर से आना जाना उसमें भी कितना टाइम आपका बर्बाद होता है, और फिर अब आपको इतने सारे टेंशन जो आपने उस आर्टिकलशिप के टाइम पे आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, देख रहे हो, प्रेशर बन रहा है कस्टमर का, क्लाइंट का प्रेशर है, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, उसके साथ घर में जाके पढ़ाई करना है, ये बहुत 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 टफ हो जाता है मेरे बच्चे, बहुत टफ हो जाता है। मैं जानता हूँ इस बात को। इसलिए होता क्या है कि आप एक टाइम पे एक ही काम करो। मेरा मानना है कि पहले सी इंटर ग्रुप वन, ग्रुप टू या तो पैरेलल में आप कर लो एक साथ में, या फिर एक के बाद एक आप पहले इसको कंप्लीट करो। थोड़ा सा टाइम बर्बाद होता, होने दो, लेकिन इसके बाद जब आप इंटर्न ट्रेनिंग में जाओगे, आर्टिकलशिप में जाओगे, वहां पे कंप्लीट आपका डिवोशन क्या होगा, सिर्फ आर्टिकलशिप के ऊपर होना चाहिए। ट्रेनिंग हर चीज सीखने के ऊपर में कितनी नई नई चीजें सीखोगे, आपको एक अलग दुनिया नजर आएगी। आप देखोगे कि यार जो भी चीजें अभी तक आपने बुक में पढ़ा था ना, बुकिश नॉलेज में, वो प्रैक्टिकली कैसे वहां पे अप्लाई हो रहा है, बहुत डिफरेंसेस नजर आएंगे, नए नए चीजें आपको नजर आएंगे, नए नए क्लाइंट से इंटरेक्ट करना, बातें करना, बिजनेस को बढ़ाना आपके सीए फर्म के अंदर में, मतलब क्या बताऊं कितनी नए नए चीजें। तभी तो आप सीए बनोगे, तभी तो आप स्ट्रांग होंगे, तभी तो सब कुछ आपके अंदर में खिल के आएगा। सिर्फ बुकिश नॉलेज से सीए नहीं होता मेरे बच्चे, आपका जो स्टडी है मतलब मार्क्स और प्रैक्टिकल जितनी चीजें हैं उनको प्रॉपर तरीके सीख के ही हम सीए अच्छा बनते हैं। तो मेरा एडवाइज है कि दोनों ग्रुप को आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आर्टिकलशिप में जाइए। मत देखो कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा दुश्मन क्या कर रहा है, उसका पहले कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि सीए के अंदर में पहले वो ट्रेनिंग शुरू करेगा तो पहले सीए कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन प्लांट वे में बेहतर तरीके से स्टडी किया है, बेहतर तरीके से अपने हर एक स्टेप को आगे वो लेके गया, वही जल्दी पहले सीए बनता है। तो मेरे हिसाब से आपका यही होना चाहिए। आपको क्या करना है बच्चे, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, सीए इंटर का मैं मानता हूं कि आपने दोनों ग्रुप कंप्लीट किया, उसके बाद आपने ट्रेनिंग को शुरू किया, 3 साल का ट्रेनिंग।
अब यहाँ भी बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बात समझना ध्यान से, इस तीन साल में पहला साल जो आपका है ना, ये तो प्रॉपर आप सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, कैसे अपने सीनियर से बात करते हैं, कैसे आप क्लाइंट से बात करते हैं, ऑडिटिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ आपको, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे सीख रहे हैं, बस वो सीख रहे हैं। और नो डाउट कि आप अपने जो फाइनल का जो पेपर है उसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका निकल गया। अब ध्यान देने वाली बात है, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग यानी कि सेकेंड ईयर की शुरुआत और थर्ड ईयर का एंड, इसके बीच में फिर से एक आपको ट्रेनिंग करना है। वो क्या है? 4 वीक का एडवांस्ड इंटेग्रेटेड कोर्स ऑन ITN सॉफ्ट स्किल। यही मेरे बच्चे, इसी को और एडवांस करते हुए यहां पे और आप थोड़े एडवांस होंगे। आपका अकाउंटिंग जो है उसको, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, और एडवांस लेवल पे सिखाया जाएगा। एक्सेल में हम कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे रिपोर्ट स्टडी करते हैं, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। और नो डाउट कि आपके सॉफ्ट स्किल पे जितना काम यहाँ किया गया था उसको भी एडवांस यहाँ किया जाएगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट अब कुछ समय में आप CA बनने वाले हैं, तो जितनी चीजें आपके अंदर में होनी चाहिए एक CA बनने के बाद, वो सब मेरे बच्चे आप देखेंगे। आपने एक काम करना, मतलब अगर कोई बच्चा अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो देख रहा है ना, जो अभी फाउंडेशन का छोटा छोटा बच्चा है, तो आप ना एक वीडियो को 5 मिनट का रिकॉर्ड करके अपने बात करने का तरीका, अपने हंसने का तरीका, बैठने का तरीका, उसके 5 मिनट का वीडियो बना के पापा मम्मी के पास रख दो, और कहना कि अब ना हम आपसे 3 साल के बाद ना एक और वीडियो हम वहाँ पे आपको बना के देंगे, और 3 साल के बाद इस ट्रेनिंग को, सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो उसी टॉपिक पे, कैसे बैठे हो, कैसे हंस रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, इनका एक वीडियो बनाओ। आपको अपने अंदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, ज़मीन आसमान का मेरे बच्चे। तो ये एक्चुअली जो ट्रेनिंग है ना, इस ट्रेनिंग को जितना खूबसूरती के साथ आप इसको करोगे, जितना इंटरेस्ट लेके करोगे, जितना मस्ती के साथ करोगे, उतनी चीज़ आप सीखेंगे। नो डाउट कि इस ट्रेनिंग में बहुत प्रेशर बनते हैं, आपका जो CA होगा वो बहुत तरीके के प्रेशर देगा, काम का प्रेशर होगा बहुत, लेकिन उसको झेलना है, वही तो मजा है, वही तो मैं सीख रहा हूँ, जो आगे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं उसको अप्लाई करूंगा रियल लाइफ में, तो वो करना है मेरे बच्चे। तो ये आपको क्या करना है कि सेकेंड ईयर के आपका स्टार्टिंग और थर्ड ईयर के एंड, इसके बीच में फिर से एक ट्रेनिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ये सभी ऑनलाइन होते हैं, आपको इंस्टीट्यूट सिखाता है ना। अब ट्रेनिंग की बातें होगी, छोटा सा बात और बता दूं मैं, ये 3 साल के ट्रेनिंग में जो लास्ट का 6 महीने का ट्रेनिंग है, लास्ट के 6 महीने का पीरियड है, इसमें या इसके बाद आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आप देखो ना, लगभग यहाँ पे 2.5 साल का टाइम आप क्या कर रहे हो, एक तो आप अपना आर्टिकलशिप कर रहे हो प्लस पढ़ाई कर रहे हो, तो एनफ टाइम इंस्टीट्यूट ने दिया अपने आपको फाइनल के लिए तैयारी करने के लिए। अब आपकी मर्जी, या तो जब 6 महीने का ट्रेनिंग बचेगा उसके बाद ही आप क्या करेंगे, अपना फाइनल का एग्जाम इस बीच में दे सकते हैं, इसके बीच में, या फिर आप 3 साल का पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आपका फाइनल का ग्रुप 1 ग्रुप 2 या तो आप दे अलग अलग, चाहे इकट्ठा दे, पास करें और फिर CA आप बन के तैयार हो गए। ये प्रोसीजर है मेरे बच्चे, अगर आप नॉर्मल रूट से पास करते हो तो। ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग आपको कहाँ करना चाहिए, किस टाइप के CA फॉर्म में करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से CA फॉर्म भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका टॉप क्लास के यानी कि बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं, PwC हो गया, अर्नेस्टिंग हो गया, बहुत सारे आपके हैं, तो वहाँ करो, या फिर जो आपका एक मिडिल लेवल के CA फॉर्म होते हैं इनका क्या क्लासिफिकेशन है, या फिर लोअर, ये सारी बातें अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, एक वीडियो में सब कुछ बताना मुश्किल है। ट्रेनिंग में भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि यहाँ 3 साल में फिर आपको लास्ट के 1 साल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी अलाउ करते हैं, वो करूँ कि ना करूँ, क्या फ़ायदे क्या घाटे, इन सारी बातों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे बच्चे ये आपका ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर होगा। नाउ कम टू डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब होता है सिर्फ इतना कि ये जो CA फाउंडेशन है ना, ये एग्जाम आपको नहीं देना, मतलब डायरेक्टली आप CA इंटर में एडमिशन लेंगे, फाउंडेशन आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट एंट्री में आने वाले जो लोग हैं उनको भी इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में उन लोगों को रखा है जो एटलीस्ट CMA इंटर पास हैं, या फिर CS एग्जीक्यूटिव पास, एटलीस्ट मतलब कि या तो CMA इंटर क्वालिफाइड हो या CMA क्वालिफाइड हो, या CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाइड हो या CS बन चुके हो। तो मतलब जो
या तो आप CMA इंटर या CS एग्जीक्यूटिव अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे CA करना है जी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर उस केस में आपके लिए डायरेक्ट एंट्री है। मेरे बच्चे ये जो है ना, ये आपका जो पास हो चुके, पास्ट मतलब जो कंप्लीट कर चुके हैं इंटर लेवल ऑफ CMA या फिर CS एग्जीक्यूटिव लेवल, वो चाहे तो डायरेक्टली वो आ सकते हैं इसमें, और वो आपको यहाँ पे उनको आना पड़ेगा। यहां से मतलब उनका ये फाउंडेशन एग्जाम हो जाएगा और इस प्रोसेस में फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। सब कुछ आपको बस ये समझ लेना है कि फाउंडेशन आपका एग्जाम हो गया जी, आप सीधे CA इंटर को ज्वाइन करेंगे और फिर आगे अपना प्रोसेस करेंगे। मतलब आपने ज्वाइन किया, फिर ये डिग्री, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, फिर आपको CA का ग्रुप 1 या 2 या दोनों ग्रुप पास करना है, फिर आपको यहां पे स्टार्ट करना है ना, ये आपका प्रोसेस। हाँ, अगर यहाँ से कोई बच्चा आता है ना, यहाँ से कोई बच्चा इस रूट में आता है, तो वो चाहे तो किसी एक ग्रुप को कंप्लीट करने के बाद ही अपना ट्रेनिंग शुरू कर सकता है, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ा हुआ है ग्रुप 2 का। एक्चुअली जो मतलब CA इंटर की बात करो, CS में भी लगभग बहुत कुछ पढ़ा ही होता है बच्चा, तो आप ऐसे कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और कोई भी आपका प्रोसेस में कोई एग्जम्पशन नहीं है, सेम चलना, ना कोई सब्जेक्ट में एग्जम्पशन है, ना आपको कोई ट्रेनिंग में एग्जम्पशन है, सब कुछ आपको यहाँ से कंटिन्यू करना होगा, बस ये आपका छूट जाएगा। आई बात समझ में, ये किसके लिए बताया, CMA इंटर या CS एग्जीक्यूटिव पास अगर आप बच्चे हैं तो। अगर CMA इंटर का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 सिर्फ एक निकला हुआ है, या फिर आपका CS का कोई ग्रुप 1 या ग्रुप 2 निकला हुआ है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपके लिए ये सब नहीं, फिर आपको यहीं से जाना पड़ेगा अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो। ये तो हो गया उनका। नाउ वो बच्चे जो ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स से हैं चाहे किसी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और वो CA में अपने आप को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो देखो उनके लिए सारा सिस्टम मेरे बच्चे इससे हटकर है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, वो बच्चे जो कि या तो आपका डायरेक्ट एंट्री से आप आना चाहते हैं और आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, सुनेंगे। ये जो बच्चे यहाँ पर हमने लिखा ना, कॉमर्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर ग्रेजुएट, अगर ये बच्चे चाहते हैं कि मैं इस रूट को फॉलो ना करूँ, मैं इस रूट को फॉलो करूँ, तो मेरे बच्चे आप भी चाहो तो फाउंडेशन दो, फिर ऐसे आप बढ़ना शुरू कर दो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे आ सकते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। ध्यान सुनिए अब यहाँ पर क्या बोले जाते हैं, कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जिसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, पर बच्चे ग्रेजुएशन में चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका एटलीस्ट 55% है, मतलब चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी बच्चे का मान लो यहाँ पे 52% है और यहाँ पे उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी और उसका 56% है, वो यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल है। मतलब इनमें से किसी भी एक में, यहाँ 45% है बट यहाँ पे 60 है, आप आ सकते हैं, मतलब 55% या उससे ज़्यादा किसी भी एक में हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, आर्ट्स या साइंस से हैं और वो CA करना चाहते हैं, तो उनके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी एक में 60% मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, इतने मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल होंगे, आप CA इंटर में डायरेक्टली आ सकते हैं, है ना। तो या तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दोनों में है तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी एक में होगा तो आप जा सकते हैं। नाउ इनके लिए क्या है कि अगर आप एलिजिबल हो तो आपको पहले CA इंटर में इनरोल कराना है। CA इंटर में इनरोल कराने के बाद 4 वीक का आपको इंटेग्रेटेड कोर्स ऑन IT एंड सॉफ्ट स्किल, जैसे इनका था ना बच्चे, वो आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब CA में इनरोल कराए, फिर इस ट्रेनिंग को आपने कंप्लीट किया, इसके बाद फिर इसको कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो 3 साल का है उसके लिए आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे। पहले ये कंप्लीट किया उसके बाद 3 साल का, मतलब पहले CA में रजिस्ट्रेशन कराया, फिर आपने क्या किया जी 4 वीक्स का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने कंप्लीट किया, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे 3 इयर्स की ट्रेनिंग के लिए आप इनरोल्ड होंगे। अब ध्यान से सुनना आपका फर्क क्या है मेरे बच्चे, जो डायरेक्ट एंट्री और इस रूट से आ रहा है, 9 मंथ्स का ट्रेनिंग पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा CA इंटर के किसी भी ग्रुप को अटेम्प्ट करने के पहले। 9 मंथ्स का जो आपका ट्रेनिंग है, आर्टिकलशिप जो है, वो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी आपका ग्रुप को देने के पहले। और ये कब तक कंप्लीट करना है जी, जिस महीने में आपका एग्जाम है ना, जैसे मान लो आपका मई में एग्जाम है, मान लो आपका 6 मई से एग्जाम है, तो मई का फर्स्ट डे क्या है, 1 मई, फर्स्ट मई, तो 1 मई तक आपको 9 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी। अगर आपने 1 मई तक 9 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है बच्चे, तो फिर आप क्या करोगे, इंटर के एग्जाम के लिए एलिजिबल, ऐसा उन्होंने प्रोसीजर बनाया। मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट 9 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ
इन विच द एग्जामिनेशन इज टू बी हेल्ड, ठीक है ना। तो इनके लिए पहले 9 months का ट्रेनिंग करना जरूरी है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब आप यहाँ पे क्या करोगे जी, अपना सी इंटर का एग्जाम दे सकते हो, और इंटर का आप दोनों ग्रुप पास कीजिए, ग्रुप वन एक, फिर ग्रुप टू, या दोनों एक साथ, आपकी मर्जी है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप सी इंटर का एग्जाम दे सकते हैं और पास कीजिए। इसको पास करने के बाद है ना, दोनों ग्रुप वन बी और टू बी आपका, ये जो पास कर गए तो अब आप फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मेरे बच्चे आपको क्या होगा जी, यहाँ पे मतलब अभी ट्रेनिंग चल रहा है, 9 months का खत्म हो गया ना, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम दिया, फिर ट्रेनिंग आपका कंटिन्यू चल रहा है, और फिर आपने क्या करना, जब ये पास कर गया तो फाइनल में, और फाइनल में आने के बाद अगेन यहाँ पे ये जो एडवांस आपका ट्रेनिंग था ऑन IT एंड SS यानी कि सॉफ्ट स्किल जो यहाँ पे किया था, वही काम आपको भी यहाँ भी करना पड़ेगा, और फिर अपना CA फाइनल का दोनों ग्रुप निकालिए और CA अपना डिग्री हाथ में लीजिए। ये ट्रेनिंग का प्रोसीजर है बच्चे, जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। चलिए, मुझे आशा है कि बहुत अच्छा खासा हेल्प मिला होगा आपको आपके ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके समझने के लिए। इनका कौन सा डेट होता है, क्या क्या होता है, वो सब कुछ आप ICI के साइट पे जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको अब बताऊंगा, जैसे ये 3 years की ट्रेनिंग है ना, इसमें आप लास्ट के 1 ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो मैं उसको करूं कि ना करूं, क्या उसमें रुकावटें आती हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। यही नहीं, कैसे आप ट्रेनिंग पीरियड में अपने स्किल को अपग्रेड करें, कैसे दूसरे बच्चों से आगे निकले, आपको आर्टिकलशिप यानी कि ट्रेनिंग को जो अगर किसी CA फर्म के अंदर में करते हैं तो CA फर्म में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना मेरे बच्चे लाइफ वहीं से डिसाइड करते हो कि कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो। तो जब CA फॉर्म का हम सिलेक्शन करेंगे तो क्या क्या दिमाग में बातें हमारी होनी चाहिए, इन सारी बातों को अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा पूरा कोशिश है मेरे बच्चे कि आप अपने करियर को बहुत अच्छी तरीके से प्लान करें, स्टेप बाय स्टेप सभी आप सही जगह पे पहुंचे और कहीं किसी तरीके की परेशानी आपको ना हो। मेहनत आपको करना है, नो डाउट कि आप मेहनत करें, मैं भी मेहनत करता हूं आपके कोर्स को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करने के लिए। आप देखेंगे कि कहीं पर भी, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, कहीं पे मैं कोई कमी नहीं छोड़ता। आपके अकाउंटेंसी को, आपके एडवांस अकाउंटेंसी को, आपके CFR को बहुत मस्त तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो जो मेहनत मैं अपने सब्जेक्ट पे करता हूँ वही आप अपने प्रोफेशन पे कीजिए, फिर तो डिग्री आपकी अपनी है और ये सक्सेस फिर आपका अपना है। आप देखेंगे कि एक समय के बाद जब ये डिग्री कंप्लीट होती है, जो कहा था ना 5 मिनट का वीडियो वाला, आप देखेंगे कि लाइफ भी मेरे बच्चे उसी 5 मिनट के मुताबिक आपका कितना चेंज होता है। आप सबको ऑल द बेस्ट, आगे बढ़े और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। आप सबको बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।